हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में 20 जून 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। आज का दिन 20 जून है, आपसे माफी चाहता हूँ। वैसे मैंने कल आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी कर दिया था कि आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि कल इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू था इस वजह से। तो आज इस वीडियो में हम लोग आज के इम्पोर्टेंट सभी करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज्ड इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नेम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्वेश्चन का मतलब समझो, ध्यान से क्या बोल रहा है। कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदल के इसका नाम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर रख दिया है। ये राज्य सरकार है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पिछले ही साल यूटी में कन्वर्ट कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन करना था, जिसके लिए कितने मेंबर्स की कमेटी बनाई गई? इसके लिए 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई, और इसमें सबसे मुख्य सदस्य जो इसमें ऐड किए गए हैं, इनका नाम है फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा कमेटी के लिए कितने मेंबर चुने गए, तो आपका आंसर होगा 5 मेंबर, और जिसमें से फारूक अब्दुल्ला भी इन 5 में से एक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, आसाम में सर्बानंदा सोनोवाल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर। ध्यान रखिए, ये स्वामी की स्पेलिंग यहां पर यही है, वो अली स्वामी की स्पेलिंग यहां पर नहीं है। तो ये कौन सा शहर है जहां पर अभी राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कन्वर्ट कर दिया गया है COVID-19 केयर फैसिलिटी में? तो राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के इस स्पिरिचुअल सेंटर को COVID-19 केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हो इस तरीके से बेड वगैरह की यहां पर फैसिलिटी लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस लगातार दिल्ली में बढ़ते चले जा रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा करी गई है। एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर दिल्ली में COVID-19 पेशेंट्स की केयर फैसिलिटी के लिए ये सबसे बड़ा ग्राउंड लेवल पर कोई इनॉग्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई पर्टिकुलर प्लेस, तो ये यही है जिसका नाम है COVID-19 केयर फैसिलिटी। ओके, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द नोवेल, इस किताब का नाम क्या है? इसका नाम है अ बर्निंग। ये अभी रिलीज हुई है। ये कौन सी राइटर है जिनकी ये पहली नॉवेल है? इनका नाम है मेघा मजूमदार। क्या नाम है? मेघा मजूमदार। वैसे तो ये भारत में कोलकाता से बिलोंग करती हैं, लेकिन भारतीय अमेरिकन मूल की हैं, अमेरिका में रहती हैं। तो मेघा मजूमदार, ध्यान रखिएगा, साल 2020 में इनकी पहली नॉवेल रिलीज हुई है जिसका नाम है अ बर्निंग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस दैट इट्स 33% ऑफ 2.4 लाख एम्प्लॉयज विल वर्क परमानेंटली फ्रॉम होम। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि इस कंपनी के 33% एम्प्लॉय लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद भी अब परमानेंटली घर से ही काम करेंगे? ये है इंफोसिस। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक महीने पहले मई के करंट अफेयर में आपको एक न्यूज कराई थी कि TCS ने भी अनाउंस किया है कि TCS के 75% एम्प्लॉय परमानेंटली घर से काम करेंगे। तो 75% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। इंफोसिस ने 33% के लिए बोला है, तो TCS का 75% ध्यान रखिएगा, इंफोसिस का 33% ध्यान रखिएगा। इन दोनों कंपनीज ने अपने इतने इतने परसेंट एम्प्लॉयज के लिए अनाउंसमेंट किया है कि अब लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद भी इतने एम्प्लॉयज हमेशा घर से ही काम करेंगे और घर पर ही उनको सैलरी मिलेगी। ओके, इंफोसिस की बात करें तो 1981 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी पुणे में, लेकिन आज की डेट में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इंफोसिस के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है सलिल पारिक। सलिल पारिक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट विमेंस एशियन कप 2022 ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जो कि साल 2022 में होने वाले एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन विमेंस एशियन कप को होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट करेगा भारत। इंडिया विल बी होस्टेड, इंडिया विल होस्ट विमेंस एशियन कप 2022। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, AFC का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की कैपिटल क्वालालंपुर।
और एएफसी के एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है? ये हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, सलाम बिन इब्राहिम अल खलीफा। अल खलीफा, तो एक बार फिर से पढ़िए, इनका नाम क्या है? सलाम बिन इब्राहिम अल खलीफा। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और भारत में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं प्रफुल्ल पटेल। भारत की कैपिटल नई दिल्ली, चाइना की कैपिटल बीजिंग, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। रिसेंटली विच बैंक विल फुल्ली डिजिटाइज इट्स लेंडिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग होम, एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड पर्सनल एंड ऑटो लोन। आपसे कह रहा है इनमें से ये कौन सा बैंक है जिसने फैसला लिया कि अपने होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन एंड ऑटोमोबाइल लोन, इन सभी लोन्स को ये कंप्लीटली डिजिटाइज कर देंगे। मतलब कहने का कि लोन अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करिए, ऑनलाइन ही आपको जो भी अप्रूवल मिलना होगा वो सारा अप्रूवल ऑनलाइन ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपके अकाउंट में सीधा पैसा भी आ जाएगा। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने फैसिलिटी दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। साल 1908 में इसकी स्थापना करी गई थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी 2 महीने पहले ही नए सीईओ बने हैं, संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा, ही हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान रहे आपको, साल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने दो बैंकों के साथ मर्जर किया था, एक देना बैंक और दूसरा विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक दोनों के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। उसके बाद देना बैंक का हेडक्वार्टर 520 करोड़ रुपए में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेचा था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द पोर्टल, इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अगर इन शॉर्ट इसको बोले तो इन शॉर्ट इस पोर्टल का नाम रखा गया है सत्यभामा। सत्यभामा नाम का ये जो पोर्टल है, ये अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स हैं। इनके द्वारा लॉन्च किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सत्यभामा। और आपको पता ही होए, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, निर्मला सीतारमण के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, नितिन जयराम गडकरी के पास वाटरवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एमएसएमई। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज बिकेम फर्स्ट टू बी वैल्यूड एट 150 बिलियन US डॉलर। ये पहली ऐसी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है जिसकी वर्थ 150 बिलियन US डॉलर हो गई है? ये है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी वर्थ वाली कंपनी बन गई है, 150 बिलियन डॉलर की ये कंपनी बन गई है। रिलायंस की स्थापना 1973 में करी गई थी, और रिलायंस के सीईओ इस टाइम पे कौन है? ये है मुकेश अंबानी। इसके फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी। टीसीएस का हेडक्वार्टर मुंबई, एससीएल का हेडक्वार्टर नोएडा, विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलोर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर मुंबई। रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ किट फॉर डायग्नोजिंग कोविड-19 बाई यूजिंग मटेरियल दैट अवेलेबल इन लोकल मार्केट। क्वेश्चन का मतलब आपसे ये कह रहा है हिंदी में, कौन सा ये आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसने अभी 3 तरीके की डिफरेंट किट्स लॉन्च करी है? ये तीनों किट कोविड-19 की टेस्टिंग किट है, और ये 3 किट की खास बात ये है कि ये कोई ऐसे मटेरियल से नहीं बनी हुई है जो कि मटेरियल आपके लिए अवेलेबल ना हो, ये ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जो कि लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उस मटेरियल से बनाई गई है ये 3 तरीके की किट। ये काम किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वॉल्कन बोजगीर, इनका नाम है वॉल्कन बोजगीर, अभी हाल ही में इनको इलेक्ट किया गया है नेशनल जनरल असेंबली के 75th प्रेसिडेंट के रूप में। ये जो वॉल्कन बोजगीर हैं, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं टर्की से, तुर्क से बिलोंग करते हैं। और टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है अंकारा। जॉर्डन की कैपिटल है अमान। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनिगान। कतर की कैपिटल है दोहा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कुबादबेक बुरनोव, क्या नाम है इनका? इनका नाम है कुबादबेक बुरनोव, अभी हाल ही में इनको कौन से देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है?
तो कुबादबेक बोर्नोव अभी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। 16 जून के अगर आप करंट अफेयर देखते हो तो 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया है। तो किर्गिस्तान के किस प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया जिनकी जगह पर अभी कुबादबेक बोर्नोव आए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है जिन्होंने रिजाइन किया था, वैसे मैंने आपको पहले भी ये नाम बताया हुआ है, अब ध्यान रखिएगा, इनका नाम है मुखम्मद, यहां पर मैं लिख रहा हूं मुखम्मद कली, KALYI, मुखम्मद कली अबिल गजिएव। क्या नाम है? अबिल गजिएव। तो ये इनका पूरा नाम है, एक बार फिर से पढ़िए, मुखम्मद कली अबिल गजिएव ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अभी 4 दिन पहले रिजाइन किया था, अब इनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री आ गए हैं कुबादबेक बोर्नोव। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, इराक की कैपिटल है बगदाद और ईरान की कैपिटल है तेहरान। अभी पिछले ही महीने इराक के भी नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद अल खादमी। मोहम्मद अल खादमी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड COVID-19 हेल्थ कवर इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने कोरोना वायरस के लिए हेल्थ कवर इंश्योरेंस लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका बैंक के द्वारा। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मंगलोर, इसकी स्थापना 1924 में करी गई थी और इसके इस टाइप पर सीईओ है महाबलेश्वर एम। क्या नाम है? महाबलेश्वर एम। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। पीएनबी के सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं संजीव चड्ढा, एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। रिसेंटली इन विच सिटी एयर वेंटी ऐप हैज बीन लॉन्च्ड? एयर वेंटी एप्लीकेशन अभी हाल ही में कौन से शहर में लॉन्च किया गया? इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। एयर वेंटी ऐप की खास बात यह है कि मुंबई के अंदर जितने भी सिटी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में COVID-19 पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल है, ये सारी स्थिति आपको एयर वेंटी ऐप के थ्रू पता लग जाएगी। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में ही आपको पता लग जाएगा कि किस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स अवेलेबल है और किस में नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर्मर लोकसभा मेंबर एंड द फाउंडर ऑफ जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पास्ट अवे। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? ये पहले लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर भी हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है माधव राव बलवंत पाटिल। तो माधव राव बलवंत पाटिल जो कि जल लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का ये वीडियो क्योंकि लेट हो गया है इस वजह से मैं स्टैटिक जीके इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। ये है मेरा डिस्काउंट कोड Varun777, इसका यूज करके आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 10% डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, और सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी 21 जून के करंट अफेयर के साथ।